Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे RRB 2024 में रेडियोग्राफर सिलेबस डिस्कशन के बारे में। इसमें हम जो भी सिलेबस जो RRB में गिवन है उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, जिससे आपको जो है एलैबोरेटली आइडिया हो सके कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो कवर किए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। सो लेट्स बिगिन। पहला हमारा जो सेक्शन है वो हमारा है टेक्निकल सब्जेक्ट का, जिसमें हमारे जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें बेसिकली हमसे जो पहला जो सब्जेक्ट है वह है हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड। उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और बाकी अदर सिस्टम भी गिवन है, सेम एज जो है फिजियोलॉजी में होंगे। एनाटॉमी में आपको जो है लोकेशन के बारे में पता होने चाहिए। जितने भी सिस्टम हैं एनाटॉमी से अगर कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आता है, एग्ज़ाम में आता है, तो बेसिकली वह लोकेशन पूछी जाएगी एनाटॉमी के बेस पे कि वह ऑर्गन या वह जो बॉडी पार्ट है वह किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, किसके एंटीरियर या पोस्टीरियर। यह सब जो है लोकेशन जो है एनाटॉमी के द्वारा जो है पता लगाई जाती है, इसलिए उसके बिहाव पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो फिजियोलॉजी है उसमें फंक्शन के बारे में पूछे जाएंगे, जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी है उसमें न्यूरॉन्स के बारे में पूछे जाएंगे, तो फंक्शनल जो बेस्ड क्वेश्चन है वह फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये हमारे जो है टॉपिक्स हैं, इससे जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वह है हमारा रेडियोलॉजी फिजिक्स। अब रेडियोलॉजी फिजिक्स में हमारा जो काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह हमारा है एक्सरे प्रोडक्शन। उसमें कैसे एक्सरे जनरेशन होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या है एक्सरे की और फैक्टर अफेक्टिंग क्या करते हैं एक्सरे क्वालिटी को, ये सब मैटर करता है, ये रेडियोलॉजी फिजिक्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रेडिएशन इंट्रैक्शन विद मैटर। इसमें काफ़ी जो अलग अलग इंट्रैक्शन है उसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। ये मैंने जो वीडियो है ये काफ़ी कवर की है, वो आप देख सकते हैं रेडियोलॉजी फिजिक्स के बारे में। इमेज फॉर्मेशन क्या है, कि प्रिंसिपल ऑफ इमेज कंट्रास्ट, कैसी रेजोल्यूशन होगी, एक्सपोजर के पैरामीटर्स क्या हैं, MAS, KVP, ये सब आपको पता होने चाहिए। चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। रेडिएशन डोजीमेट्री, इसमें बेसिकली आपका TLD और बाकी अदर जो डोजीमेट्री है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट जो रेडियोलॉजी फिजिक्स है वह कवर है, आप देख सकते हैं चैनल पर अवेलेबल है। रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसमें शील्डिंग टाइम है, डिस्टेंस है, रेगुलेटरी लिमिट है, ये सब भी जो है आपको चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा इससे रिलेटेड वीडियोस। सो सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा रेडियोलॉजी फिजिक्स है, वो आपका कवर हो जाएगा, जो आपकी प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में जाके आप जो है कवर कर सकते हैं ये सब टॉपिक्स। अनदर वन है, थर्ड है जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स में बेसिकली बेसिक फिजिक्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि न्यूटन्स लॉस, ये बेसिक्स क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, जो आपकी क्वांटम मैकेनिज्म है, प्लस टू लेवल के जो क्वेश्चन हैं वह कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं RRB में। ये बेसिकली जनरल फिजिक्स में से आते हैं ये क्वेश्चंस, तो आपको जो है बेसिक्स भी आपको जो है आपको आना चाहिए। इसके बेसिस पे जो है मैं कोशिश करूँगा MCQ वीडियो लाने की, उसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। सो जनरल फिजिक्स में आपको जो है जनरली जो आइडिया है प्लस टू लेवल में जो भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेडिएशन फिजिक्स। इसमें ऑल ओवर जो क्वेश्चन है वह रेडिएशन से संबंधित ही है, जैसे टाइप्स ऑफ रेडिएशन है, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन और इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार हाफ लाइफ से रिलेटेड है, जो भी हमारा रेडियो एक्टिव डिके है इसमें हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन ज़रूर, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, जैसे कोबाल्ट का, टेक्नीशियम 99M का, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन में रेडिएशन में आयनाइजेशन है, एक्साइटेशन है, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र है, तो इससे रिलेटेड जो है इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है कि रेडिएशन को आप डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो टाइप्स ऑफ डिटेक्टर, ये सब जो है इसमें पूछे जाते हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन थेरेपी है और रेडियो प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स है, ये सब जो टॉपिक मैंने कवर किए हैं चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो रेडिएशन फिजिक्स का आपका जो है कवर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टॉपिक्स जो है इसमें नहीं है। अनदर वन है हमारा फिफ्थ, फिजिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी।
तो डायग्नोस्टिक लेवल पे क्या है कि आपकी जो एक्सरे ट्यूब है उसका डिज़ाइन कैसा है, एनोड कैथोड असेंबली कैसी है, फैक्टर अफेक्टिंग ट्यूब परफॉर्मेंस क्या है, इमेज रिसेप्टर, इसमें टाइप्स ऑफ डिटेक्टर आ जाते हैं कि आपका CR है, DR है, करेक्टरिस्टिक है, इमेज प्रोसेसिंग है, ये सब जो है आपके डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में आते हैं। इमेज क्वालिटी में जैसे कि आपका कंट्रास्ट रेजोल्यूशन कैसा है, स्पेशल रेजोल्यूशन कैसा है, तो किस डिटेक्टर का कैसा स्पेशल रेजोल्यूशन है, यह कंपैरिजन के बेसिस पे भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिफैक्ट से रिलेटेड जो जनरली पूछे जाते हैं। देन उसके बाद फ्लोरोस्कोपी है, फ्लोरोस्कोपी से रिलेटेड कई बार जो है एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कई बार डिटेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं या इमेज इंटेंसीफायर से रिलेटेड हो सकते हैं, कंपैरिजन के बेसिस पे भी पूछे जाते हैं। तो फ्लोरोस्कोपी का भी आपको जो है क्विक आइडिया होना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक है थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने कवर किया है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। देन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसमें आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए CT से रिलेटेड कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, इसमें हाउंसफील्ड यूनिट जरूर पूछी जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हाउंसफील्ड यूनिट है वह कैसी होगी, बोन की कैसी है, वाटर की कैसी है, और एज़ कंपेरिजन में जो है लंग के केस में पूछ सकते हैं या कोई भी आपको जो है ब्लीड गिवन होगा उसमें केस में पूछ सकते हैं, तो ये सब भी आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कंप्यूटेड टोमोग्राफी की। नेक्स्ट है हमारा जो है 6th एक्सरे मशीन एंड एक्सेसरीज। अब एक्सरे मशीन एक्सेसरीज में बेसिकली टाइप्स ऑफ जनरेटर है, उसमें वोल्टेज सिलेक्शन कैसी है, ट्रांसड्यूसर, ये सब जो है इसमें आता है, कोलिमेशन है, कोलिमेशन में जो है पेशेंट डोज और इमेज क्वालिटी से कोलिमेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब जो है उसमें आता है, ग्रिड्स के बारे में भी जो है एक्सेसरीज में ही आता है। तो ये सब जो है आपके टॉपिक्स कवर हैं, वो आप देख सकते हैं। लेड एप्रेन एंड शील्डिंग जो है, लेड एप्रेन का यूसेज और किस जो है केस में कहाँ जो आपको TLD यूज़ करना है लेड एप्रेन के केस में, ये सब जो है आपको पूछे जाते हैं। मोबाइल प्रोटेक्टिव बैरियर भी इसी में आते हैं। पेशेंट पोजिशनिंग डिवाइस जो है वो भी कई बार जो है जनरली डायग्रामेटिकली भी दिखाकर जो है पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ पोजिशन एड्स। देन नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर पर मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में आपका जो है कैलिब्रेशन आ जाता है, क्वालिटी एश्योरेंस आ जाता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन आ जाता है, तो ये सब जो है इसमें मेंटेनेंस में आते हैं। इससे रिलेटेड जो है मैं MCQ क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, जो भी इसमें रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट लेवल के जो है पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल के जो नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरे फिल्म और इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक। ये टोटली जो है डार्क रूम से रिलेटेड होगा। एक्सरे फिल्म कई बार जो है एग्जामिनर जो है डार्क रूम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, बट जो है आपको यह टॉपिक पूरा आना चाहिए डार्क रूम सेटअप का। वो बेसिकली सेफ लाइट कंडीशंस के बारे में पूछ सकता है, सेफ लाइट कौन सी कलर की होती है यह पूछ सकता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, टेम्परेचर, फिल्म हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसमें जो गेट है वह रिवॉल्विंग गेट है या अनदर टाइप्स ऑफ गेट है, तो ये सब जो है इसमें इंक्लूडेड है। डिजिटल इमेजिंग जो है वो डार्क रूम से कितनी जो है कंपैरिजन के केस में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो डार्क रूम से रिलेटेड कई बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा 9th क्वेश्चन है क्लिनिकल रेडियोग्राफी पोजिशनिंग। पोजिशनिंग से रिलेटेड जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंट्रल रे एंगुलेशन कितनी है, बेसिकली आपसे जो है सेंट्रल रे कितनी, बेसिकली सेंटरिंग किस पोजीशन में, किस एक्सरे में कौन सी सेंटरिंग है यह भी पूछ सकते हैं। स्पेशल पोजीशनिंग में कि कितना जो है जो भी कम कॉमन एग्ज़ाम है जो कम होते हैं उसके केस में भी जो है स्पेशल नीड्स क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। पेशेंट की अलाइनमेंट करेक्ट अलाइनमेंट है, डिस्टॉर्शन को अवॉइड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है क्लिनिकल पोजीशन में पूछी जाती है। और काफ़ी बार जो है एंगुलेशन का भी पूछा जाता है, सेंट्रल एंगुलेशन कितनी रखी जाती है, तो ये सब इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो जनरली पोजीशन से रिलेटेड आपको जो है आना चाहिए। देन 10th है हमारा मेडिकल एथिक्स एंड पेशेंट केयर। ये काफ़ी जो स्टूडेंट है वो मिस कर देते हैं। मेडिकल एथिक्स और पेशेंट केयर से रिलेटेड जनरली 2 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और काफ़ी जो स्टूडेंट है वो इस टॉपिक को या इस जो बेसिकली कॉन्फिडेंटलिटी है ये सब जो टॉपिक्स है वो कई बार मिस कर देते हैं।
इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है, कंसेंट आप किस केस में लेते हो, प्रोसीजर को आपको जो है समझाना होता है, रिस्क और बेनिफिट रेशो उनको समझाना होता है, प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, कैसे आप किस स्टैंडर्ड पे, एथिकल स्टैंडर्ड जो आपने क्या मेंटेन कर रखे हैं, प्रोफेशनलिज्म क्या है उसमें, पेशेंट कंफर्ट को आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो एंग्जाइटी है वह रिड्यूस हो, उसका पेन जो है वो मैनेज हो, तो ये सब जो आपको ध्यान रखना है। कल्चरल सेंसिटिविटी जो भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए डाइवर्स कल्चर बिलीव्स के और प्रैक्टिस इन पेशेंट केयर, जो भी अलग अलग डाइवर्स कल्चर के पीपल जो है हम फेस करते हैं, और जो भी पेशेंट की जो डिटेल्स है वह आपको जो है प्राइवेट और सिक्योर रखनी चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन को आपको जो है रिवील नहीं करना चाहिए। तो ये सब मेडिकल एथिक्स में आते हैं। मेरी जो फर्स्ट ऑफ द वीडियो है, स्टार्टिंग जो प्राइमरी जो वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हैं, उसमें है ड्यूटीज़ ऑफ रेडियोग्राफर और एथिक्स के बारे में उसमें अच्छे से कवर किया है मैंने, आप देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो है मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, उसमें जो है बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देन इससे अलग जो है 11th है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एमरजेंसीज़। तो एमरजेंसीज़ के केस में क्या क्या जो है वो होता है टॉपिक्स, वो हमें कई बार जो है स्टूडेंट मिस कर देते हैं इसको भी। BLS जो है कई बार पूछा जाता है, एयरवे मैनेजमेंट कैसे होते हैं एमरजेंसीज़ में, ये जनरली हम सोचते हैं कि ये पैरामेडिकल्स के अंडर नहीं आता, बट ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कैसे भी कंडीशन एनाफ्लेक्सिस होता है, शोक है, कार्डियक अरेस्ट है, सीजर के केस में आपको क्या करना चाहिए, इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, किस किस की गाइडेंस से आपको जो है फॉलो करने हैं, कम्युनिकेशन किसके कोऑर्डिनेट करना है, इमरजेंसी मेडिकल टीम्स से कैसे जो आपको कोऑर्डिनेट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए आपका इमरजेंसी इवेंट्स का, जो भी इमरजेंसी इवेंट्स हुए हैं, प्रॉपर आपको जो है ड्रग मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो ये सब इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग्स के बारे में भी आपसे जो है पूछ सकते हैं कि कौन सी जो है मेडिसिन जो आपको किस केस में जो है प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, वो आपको जो है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करनी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये सब इसके अंडर आता है। इसके अलावा जो है इक्विपमेंट टेक्निक ऑफ मॉडर्न इमेजिंग मॉडलिटी, इसमें हमारा MRI, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। इसमें आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI में मैग्नेटिक प्रिंसिपल, पल्स सीक्वेंस और कॉमन MRI टेक्निक, ये सब आपको पता होना चाहिए। MRI से रिलेटेड कई बार जो है पल्स सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो MRI की जो है प्लेलिस्ट उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और जो प्रिंसिपल्स है, पल्स सीक्वेंस है, ये सब जो है काफ़ी कवर किया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ जो इमेज है वह भी कवर है, तो आप देख सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड जो है कई बार डॉपलर टेक्निक क्या है और ट्रांसड्यूसर टाइप्स क्या हैं, फिजिक्स क्या है साउंड वेव्स की, तो ये सब पूछे जाते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अल्ट्रासाउंड में क्या क्या होता है, उसमें ज़्यादा जो है डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कई बार। देन न्यूक्लियर मेडिसिन में जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियोसिटोप्स, गामा कैमरा और पेट सीटी इमेजिंग टेक्निक्स, वो है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन में आपको जो है मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए, हाफ लाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, पेट सीटी इमेजिंग में भी जो है आपको मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं, तो ये सब इसमें कवर होता है। उसके अलावा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से रिलेटेड कई बार एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, इक्विपमेंट एंड टेक्निक, जो भी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, गाइडेड इमेजिंग है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। वो मैंने कुछ जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर। तो आई होप जो है टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बेहतर तरीके से जो है पता लगा होगा कि किस केस में आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा CT में जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंट्रास्ट यूसेज क्या है, क्लिनिकली एप्लीकेशंस क्या हैं, और फिर जो आपको पोस्ट प्रोसेसिंग है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, MPR क्या होता है, 3D इमेजिंग में क्या क्या करते हैं, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए CT के केस में। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है CT की, MRI की, अल्ट्रासाउंड की, न्यूक्लियर मेडिसिन की और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कंट्रास्ट एंड स्पेशल रेडियोग्राफी प्रोसीजर, जो भी हमारे कंट्रास्ट मीडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वह पूछे जाते हैं, आयोडोनेटेड बेरियम गैडोलिनियम, इससे रिलेटेड गैडोलिनियम में जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पूछ सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से रिलेटेड,
और जो भी आइडेंटिटेड कंट्रास्ट है वह उनके जो है आयोडीन की कितनी जो है क्वांटिटी होती है यह सब होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं कंट्रास्ट को, कंट्रास्ट भी बेसिकली ओरल, आईवी और रेक्टल के थ्रू दिया जाता है। पेशेंट प्रिपेशन में ड्यूल कंट्रास्ट होता है, उस केस में भी पूछ सकते हैं आपको। स्पेशल प्रोसीजर जैसे एंजियोग्राफी, माइलोग्राफी और मेमोग्राफी के बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो है कंट्रास्ट मीडिया से होने वाले रिएक्शन और कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और पोस्ट प्रोसीजर केयर की आपको जो है मॉनिटरिंग करना है पेशेंट को आफ्टर कंट्रास्ट स्टडीज़, और मैनेज करना है उसके एडवर्स रिएक्शन को, वो आप किस तरीके से करोगे मैनेज, यह आपका जो है एमरजेंसी उसमें आता है, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। देन है क्वालिटी कंट्रोल एट रेडियोलॉजी एंड रेडिएशन सेफ्टी। तो क्वालिटी का आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि आपके जो इक्विपमेंट है वह टाइम टू टाइम रूटीनली चेक हो रहे हैं, इमेज क्वालिटी और पेशेंट डोज जो है बेहतर हो रही है, और बेसिकली रेडिएशन सेफ्टी गाइडलाइंस जो भी अलारा प्रिंसिपल है वह फॉलो हो रहा है या नहीं, डोजीमेट्री बेसिकली आपको TLD के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी अदर जो भी डिवाइसेस होते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स की शील्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं, लेड एप्रन यूज़ कर रहे हैं, लेड एप्रेंस की जो है टाइम टू टाइम आपको जो है QA टेस्ट हो रहा है या नहीं, कंप्लायंस क्या है, जो भी इंटरनेशनल रेगुलेशन है गवर्निंग बॉडी है उसमें क्या क्या मिनिमम डोज रखी गई है पर ईयर के लिए, पर वर्कर के लिए और पर पर्सन के लिए, जो पब्लिक पर्सन है उसके लिए कितनी डोज है। फिर उससे अलग बेसिकली आपका जो है डोजेज के बारे में भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो आपके बॉडी पार्ट है उसमें कितनी डोजेज की लिमिट रखी गई है, और इंटरनेशनल जो कमीशंस हैं उसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, एनालॉगीज, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, ये सब जो है जनरली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आते हैं। तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, स्लेगन्स है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ये जो है 10 मार्क्स के आएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो आपको क्या करना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है जो या जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है वह आप टॉपिक कवर करके जाइएगा, क्योंकि 10 मार्क्स हैं, वेटेज जो है ज़्यादा नहीं है, तो आप फोकस उसी पे कीजिएगा जिसमें आपको जो है कॉन्फिडेंट हो, जो आपको जो टॉपिक्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसके अलावा जनरल अर्थमेटिक है, यह भी हमारी जो है 10 मार्क्स की आएगी। इसमें भी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब है। इसमें आपको जो है ध्यान रखना है जो भी आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस है या जिस पे आप जिस भी टॉपिक पे आप जो है कॉन्फिडेंट है, जिस भी जो है चैप्टर पे आप कॉन्फिडेंट है, आपको उसी पे फोकस करना है पहले, उसके बाद ही जो है आप बाकी अदर टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि जो वेटेज है वो इसमें ज़्यादा नहीं है। बट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आप जो है इसमें स्कोर कर सकते हैं, पहले आप कॉन्फिडेंट होइए कि किस टॉपिक में आपको जो है कॉन्फिडेंस है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आप टैकल कर सकते हैं, उसके बाद ही जो है अदर टॉपिक्स की तरफ आप मूव ऑन कर सकते हैं। देन जनरल अवेयरनेस है, ये काफ़ी जो है वास्ट आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको जो है डेली 1 से 2 घंटा जो है वो देना होगा, करंट अफेयर जो है आप एक वन थ्रू में आप कर सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब जो है जनरल अवेयरनेस में आएंगे, जो भी करंट में चल रहे हैं इवेंट और जो भी हमारी जो है स्टैटिक GK है ये सब इसमें पूछी जाएंगी। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है जनरली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है, तो GDP वगैरह से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो वास्ट टॉपिक है, आपको जो है डेली कुछ टाइम देना होगा जनरल अवेयरनेस के लिए, तब भी आपका जो है ये कवर होगा, ये भी हमारा जो है 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। और देन उससे रिलेटेड जो भी इवेंट हो रहे हैं, ओलंपिक इवेंट हैं करंट में, वह सब आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर स्पोर्ट्स में जनरली जो इंडिया में है वह भी आपको पता होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है वह आपको पता होनी चाहिए। देन है जनरल साइंस, जनरल साइंस में जो भी आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो 10th लेवल पर CBSE सिलेबस में गिवन है वह सब इसमें आएंगी, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जो है वो एक ही में
इंक्लूडेड होते हैं। तो ये थे हमारे जो है आरआरबी रेडियोग्राफर में जो है सिलेबस डिस्कशन के बारे में। आई होप जो है आपको लेबोरेटरी टॉपिक्स का पता चल गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है कवर करने हैं और किन किन टॉपिक पर आपको टारगेट करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप जो है इस सिलेबस डिस्कशन के माध्यम से जो है आप देख सकते हैं, ताकि आपको जो है एक वास्ट जो सिलेबस है वह देखना ना पड़े। इसलिए जो है मेरा ये वीडियो लाने का यही मोटिव था कि आपको जो है इस टॉपिक से सब टॉपिक से आपको पता चल सके कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू या किस पॉइंट ऑफ डायरेक्शन में आपको मूव ऑन करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।